लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोलते क्यों नहीं, कौन है आप लोग और ये हमें बांध के क्यों रखा है? बोलते क्यों नहीं आप लोग? खोलिए, हम कहते खोलिए हमें। कौन है आप लोग? खोलिए हमें, तो हम कहते खोलिए हमें। कमाल है, कैसी बातें कर रहे हो शक्तिमान। शक्तिमान, शक्तिमान बनो और तोड़ दो बंधन। ये भी हमें शक्तिमान कह रहा है? गीता जी, वो सूर्यांशी, वो भी यही कह रहे थे। और फिर आकांक्षा के स्पर्श के बाद भी हम जीवित बच गए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि हम में आम मानवों से ज्यादा शक्ति है। तो क्या वाकई में हम शक्तिमान हैं? किस सोच में पड़े हो शक्तिमान? ये सोचने का वक्त नहीं है। शक्तिमान बनो और आजाद हो जाओ। इतने आदमियों का कहना गलत कैसे हो सकता है? परंतु फिर भी हमें ये आदमी सात्विक प्रवृत्ति का नहीं लगता। अपनी भावनाओं के बारे में कुछ कहने से पहले इसके बारे में ठीक से जान ही लेना चाहिए। ज्यादा मत सोचो शक्तिमान। शक्तिमान बनने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। नहीं, हम तो आपके बारे में सोच रहे थे। आपका परिचय, कौन है आप? लगता है ये एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि शक्तिमान अच्छी तरह से जानता है हमें, या तो फिर इसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है। खैर, जो भी हो, इसे अपने बारे में बता देने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे बारे में जानना चाहते हो? महोदय, हमने आपसे आपका परिचय पूछा है, कौन हैं आप? साहब, लोग हमें साहब के नाम से जानते हैं। साहब? अर्थात आप वो साहब है जिसने एडवोकेट बिजलानी के लड़के का अपहरण किया था और जो नहीं चाहता था कि शक्तिमान की कॉमिक्स बाजार में आए? आप वही साहब हैं? बिल्कुल, बिल्कुल वही साहब। शक्तिमान का दुश्मन ही हूं मैं। शक्तिमान? शक्तिमान आपका, यू मीन शक्तिमान आपका दुश्मन है? हाँ, शक्तिमान तुम ही हो गंगाधर। मेरा मतलब है, तुम्हारे ही दूसरे रूप का नाम है शक्तिमान। हम और शक्तिमान? अरे नहीं 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 महाशय, अवश्य ही आपको कोई भ्रम हुआ है। देखिए, हम शक्तिमान कैसे हो सकते हैं? अरे हम तो ठहरे एक आम मानव।
और केवल आम मानव नहीं, हम तो एक अत्यंत दुखी आम मानव हैं। ऐसा दुखी आम मानव कि जिसकी याददाश्त भी चली गई है। हाँ शॉक जी, ये क्या करने वाले हैं हम लोग? अरे क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बता दो ये क्या है? तुमने कहा ना कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। हाँ, 100% चली गई हमारी याददाश्त। याददाश्त वापस लाने का यही तरीका है। शौक दो इसे, हटा दो। वैसे भी हम एक बार इससे पहले तुम्हारी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर चुके हैं। याद है तुम गीता के साथ जंगल में गए थे? वहां कुछ लोगों ने तुम पर हमला किया था। हाँ, उन्होंने हमारे सर पर बहुत जोर से चोट मारी थी, बार बार चोट मारी थी हमारे सर पर। हाँ, क्योंकि सर पर ज्यादा चोट करने से या इलेक्ट्रिक शॉक देने से याददाश्त वापस आ जाती है। वो लोग हमारे आदमी थे, मगर वो दूसरे लोग कौन थे जो तुम्हें वहां से उठा कर ले गए? वो दूसरे लोग जो हमें उठा कर ले गए थे? हाँ जी, क्या बताएं हम उनके बारे में, क्या बताएं? बहुत परेशान किया हमें भी उन्होंने। मगर वो लोग थे कौन? शिकारी थे, सर्कस के शिकारी थे। जंगल में सर्कस के लिए जानवर पकड़ने आए थे। बकवास कर रहे हो तुम, बकवास। बकवास नहीं कर रहे हम सत्य कह रहे हैं आपको महाशय। वो लोग जंगल में जानवर पकड़ने को ही आए थे, परंतु आजकल सरकार ने जंगल में जानवरों को पकड़ने पर पाबंदी लगा रखी है, और यहाँ तक कि उन्होंने आजकल जंगलों में सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत बहुत मजबूत कर दी है। इसीलिए वो जंगल में जानवर नहीं पकड़ पाए, परंतु लौटते वक्त उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई। और तुम्हें जानवर समझकर अपने साथ ले गए? नहीं नहीं, जानवर समझकर नहीं ले गए, वो लोग हमें जोकर समझकर ले गए। जोकर? क्या? जी हाँ, जैसे आप लोग हमें शक्तिमान समझ रहे हैं ना, वैसे ही वो लोग हमें अपने सर्कस का पुराना जोकर समझ रहे थे जो वहां से भाग गया था। बस करो, बकवास बहुत हो गई। अरे बकवास नहीं कर रहे हम, वास्तव में उन्होंने हमें अपने सर्कस का जोकर समझ लिया था। और जब हमने उनको बताया ना कि हमारी याददाश्त चली गई है, तो हमारी याददाश्त वापस लाने के लिए उन्होंने कई तरीके आजमाए हम पर। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, दंग। हाँ बताइए, आपको उन्होंने हमें हाथी की सूंड पर झुलवाया। और तो और बालू से हमें गुदगुदी करवाई। बहुत हंसी आई हमें। और उसके बाद पता है उन्होंने क्या किया? हमें घोड़े के चने खिलवाए। हाँ, 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 हाँ। उसे खाकर हम घोड़े की तरह ही नींद आने लगे। उसके बाद पता है उन्होंने क्या किया? हमें कुत्तों के बीच सुना दिया। चारों तरफ कुत्ते भाग रहे थे। अरे अरे, ये तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद बताओ उन्होंने क्या किया? हमको शेर की डाहर सुनाई। हमारी हालत पतली हो गई। लेकिन उसके बाद पता है क्या किया? उन्होंने हमें बंदरों के साथ ऐसे गुलाटी खिलवाए, ऐसे 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 ऐसे। अरे हम आपको करके दिखा सकते थे, परंतु क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए। अब अरे जरा खोलना इसे। बेवकूफो, हाथ खोल रहा है, खोलने दीजिए इसे। खोल। ज्यादा चालाक मत बनो। हमने तुम्हें पहले ही कहा था, ये बंधन तुम्हें खुद शक्तिमान बनकर तोड़ना होगा। अरे परंतु शक्तिमान कैसे बन जाएंगे हम? तुम्हारी याददाश्त वापस आने पर। अरे हमारी याददाश्त कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है जो फटाक से वापस आ जाएगी। अरे वो लोग जो सर्कस वाले अब तक सर्कस का जोकर नहीं बना सके, तो आप लोग हमें शक्तिमान कैसे बना सकेंगे? आपको पता है जब उनकी यातना खा खा कर हम बेहोश हो गए थे ना, तो हमें उन्होंने तंग आकर उठाकर सड़क के बीच में फेंक दिया था। लेकिन हम सर्कस वाले नहीं है, हम तुम्हें फेंकेंगे,
मगर बेहोशी की हालत में नहीं, तुम्हारे मुर्दे को सड़क पर फेंकेंगे। शॉक हटा दो। आप लोग क्या कर रहे हैं? अब सचमुच मर जाएंगे। सचमुच? या तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और फिर तुम शक्तिमान बनोगे, या फिर मर जाओगे। परंतु हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को हमारी याददाश्त से क्या मतलब है। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि शक्तिमान का दूसरा रूप गंगाधर यानी कि तुम ही हो या नहीं। शौक। इसे लगातार शौक देते रहो। शौक। इससे बचने का एक ही उपाय है, मूर्छित हो जाता हूं। ये तो बेहोश हो गया सर, ये तो बेहोश हो गया। हो सकता है ये इसका नाटक हो। शॉक लगा कर देखो, फिर से शॉक लगाओ। सर ये तो सचमुच बेहोश हो गया। ठीक है, फिर जैसे ही होश में आए इसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देना, और तब तक देना जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती। जी साहब। आज फैसला होकर ही रहेगा शक्तिमान। यस कुमार रंजन जी, मैं शुक्ला। हाँ बोलिए शुक्ला साहब। क्या बात है, कहाँ हैं आप? पता है कई पत्रकार आपके घर पहुंचने वाले हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ जल्दी आ रहे हैं ना आप? मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा शुक्ला जी। इसका मतलब अब मुझे घर पहुंचना ही होगा। वैसे भी मुझे सिर्फ इस बात का सबूत चाहिए कि तू ही शक्तिमान है गंगाधर, और अगर तेरी याददाश्त वापस आ गई तो ये रिकॉर्ड वहां छिपा मेरा टीवी कैमरा कर ही लेगा। मेरा यहां खास रोके रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखना है कि यहां होता है क्या, तेरी याददाश्त वापस आती है या तेरी मौत तेरे पास आती है गंगाधर। पता नहीं कब तक नाटक करना होगा यहां, और यह भी नहीं पता कि आगे ये लोग क्या सलूक करने वाले हैं हमारे साथ। अरे गीता जी आप आइए बैठिए ना। कुमार जी घर पर हैं? अरे कहां कुमार साहब घर पे, उनको जनता की सेवा से फुर्सत मिले तो मिले ना घर पर, कुछ खास काम था? वो कब आएंगे? बस आते ही होंगे, खुद कहां आने वाले थे, मैंने ही फोन करके बुलाया है। पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने के लिए आने वाले हैं। साहब पत्रकार लोग आ गए हैं, उनको मैं बाहर गार्डन में बैठाया हूं। लीजिए वो आ भी गए, मैं बस अभी आता हूं। इन पत्रकारों का कोई भरोसा नहीं, अगर किसी बात पर चढ़ जाए तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा छाप देंगे। आप बैठिए ना प्लीज। जी नंदू जी, मैडम को कुछ चाय वाय पिलाओ भाई। अच्छा साहब मैं बस अभी आता हूँ। हाँ जी। मैडम चाय लीजिए। थैंक यू।
अरे गीता जी, आप कब आई? बस थोड़ी देर हुई। प्लीज प्लीज बैठिए ना। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अब परेशान ना लगूं तो क्या लगूं मिस्टर कुमार, आप तो सब कुछ जानते हैं। मगर गीता जी, अदालत ने मोहलत तो दी है ना? मोहलत? सिर्फ 4 दिन की मोहलत दी है अदालत ने, जिसमें से 2 दिन तो बीत गए, आज 3रा दिन बीत रहा है। तो क्या हुआ, शक्तिमान है ना आपके साथ? आप खामखा ही परेशान हो रही हैं गीता जी। साहब के खिलाफ सबूत जुटाना शक्तिमान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे शक्तिमान क्या कहता है इस बारे में, उसकी आपसे मुलाकात हुई या नहीं? नहीं। क्या क्या शक्तिमान ने अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं किया? कमाल है, खुद शक्तिमान को कोई चिंता नहीं। अब मुझे क्या पता मिस्टर कुमार, वैसे भी कॉमिक्स मैं निकाल रही हूं, शक्तिमान नहीं, इसलिए ज्यादा चिंता मुझे होनी चाहिए। फिर भी शक्तिमान का भी तो कुछ फर्ज बनता ही है ना मिस गीता। उसका फर्ज, इसका फर्ज, आपको नहीं लगता मिस्टर कुमार कि हम दूसरों को उनका फर्ज याद दिलाते दिलाते खुद अपना फर्ज भूल जाते हैं? माना कि शक्तिमान को साहब के खिलाफ सबूत लाना चाहिए, लेकिन अगर वो सबूत नहीं लाता है या किसी वजह से नहीं ला पाता, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम खुद उसके लिए कोशिश करें? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और वैसे हम कोशिश कर भी रहे हैं। साहब की तलाश पुलिस वालों को भी है गीता जी, मैंने कल ही इस बारे में पुलिस कमिश्नर से बात की है। अरे हाँ, गंगाधर जी का क्या हुआ, उनके बारे में मैं पुलिस कमिश्नर से बात करना भूल गया, क्या उनके बारे में आपको कुछ पता चला? नहीं, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर कुमार कि आखिर उसे उठाकर ले जाने वाले वो लोग कौन थे। वो साहब के लोग भी तो हो सकते हैं मिस गीता। ये आप कैसे कह रहे हैं? क्यों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता गीता जी के साहब की दुश्मनी सिर्फ शक्तिमान से नहीं बल्कि शक्तिमान से जुड़ी उसकी हर एक चीज से है? उसकी दुश्मनी जब शक्तिमान की कॉमिक से हो सकती है, आपसे हो सकती है, तो फिर गंगाधर से क्यों नहीं हो सकती? आखिर वो भी तो शक्तिमान से जुड़े हुए है ही ना। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है मिस्टर कुमार, साहब की दुश्मनी गंगाधर से भी है, इसीलिए तो जंगल में मेरे साथ साथ उसने गंगाधर पर भी अपने आदमियों से हमला करवाया था। लेकिन फिर भी जो लोग गंगाधर को उठाकर ले गए वो साहब के आदमी नहीं हो सकते, उन्होंने तो हमें साहब के आदमियों से बचाया था मिस्टर कुमार। लेकिन गीता जी, वो लोग गंगाधर को उठाकर कहां ले गए और क्यों ले गए? एग्जैक्टली, वो लोग सिर्फ गंगाधर को उठाकर ले गए, मुझे नहीं। अगर वो लोग साहब के आदमी होते तो गंगाधर के साथ साथ वो लोग मुझे भी उठाकर ले जाते, क्योंकि साहब की दुश्मनी गंगाधर से कहीं ज्यादा मुझसे है। एक बार पहले भी उसने मुझे किडनैप करवाया था ना मिस्टर कुमार। खैर, वो लोग कौन हैं, गंगाधर को कहां लेकर गए, उनका मकसद क्या है, ये गुत्थी तो सुलझी जाएगी। लेकिन उससे पहले साहब की गुत्थी सुलझानी होगी। अगर कल तक मैंने साहब के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं किया तो मैं ये केस हार जाऊंगी, और ऐसा मैं कभी नहीं होने देना चाहती। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? साहब तक पहुंचने का। What? गीता जी, आप अच्छी तरह से समझती हैं ना कि यह कितना मुश्किल और खतरनाक काम है। खतरा मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है मिस्टर कुमार, खतरों से खेलते हुए ही मेरी मुलाकात पहली बार शक्तिमान से हुई थी, और आज शक्तिमान की कॉमिक्स को बचाने के लिए अगर मुझे खतरों का सामना करना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि आने से पहले मेरे मन में ये विचार नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे मदद मांगने आई थी।
लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि ये मदद मांगने की आदत हमें अपना फर्ज ठीक से निभाने नहीं देती, और शक्तिमान की कॉमिक्स को बचाने के लिए साहब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना मेरा सबसे पहला फर्ज है, जिसे मैं पूरा करूंगी, क्योंकि ये कॉमिक्स मेरी है, मुझे खुद कोशिश करनी होगी। चलती हूं मिस्टर कुमार, बाय। गीता जी, मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं मिस्टर कुमार, आप इस शहर के मेयर हैं, आपके और भी कई फर्ज हैं, इस सारे शहर की जिम्मेदारी है आप पर, मैं अपने लिए आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए आप यहीं रहिए, मैं चलती हूँ, बाय। साहब की इच्छा के बगैर जब शक्तिमान साहब तक नहीं पहुंच पाया तो तुम कैसे पहुंचोगी गीता विश्वास? शक्तिमान होता है जब आदमी को अपना ज्ञान।